subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. नमस्कार, मैं सुधांशु चौरसिया और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। पाकिस्तान के बालाकोट स्ट्राइक के 140 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद एयर स्पेस को फिर से खोल दिया है। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर कहा कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान एयर स्पेस को सभी प्रकार के नागरिक यातायात के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तान के इस कदम का सबसे ज्यादा फायदा एयर इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने के चलते विमानों को दिल्ली से अमेरिका पहुंचने में 2 से 3 घंटे ज्यादा लगते थे, वहीं यूरोप पहुंचने में 2 घंटे ज्यादा लगते थे, जिसके कारण एयर इंडिया की फ्लाइटों का फ्यूल ज्यादा खर्च होने लगा। इसके अलावा फ्लाइटों की उड़ानों में कमी और कर्मचारियों के बढ़ते खर्चों को देखते हुए एयर इंडिया को हर रोज 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जो 140 दिनों में 491 करोड़ रुपए के नुकसान तक पहुंच गया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कई जवान मारे गए थे, जिसके बाद 27 फरवरी को भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके चलते पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसे आज खोल दिया गया। खबर अपडेट दी।